रहमान रहीम, ये हमारी चौथी वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये दो लाइट्स चल रही हैं, CGC और PGC। अच्छा, ये इसमें होता ये है कि अक्सर हमारे जो ऑपरेटर हजरात हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम ये लाइट्स जो हैं ये कई दफ़ा बंद हो जाती हैं, तो क्या मसाइल आते हैं? हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं हमारे ऑपरेटर्स कि ये लाइटें बंद हो गई। हाँ, ये लाइटें बंद हो जाएंगी तो आपका प्लांट जो है वो नेक्स्ट वर्किंग नहीं करेगा, मतलब जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। तो इसका मेन मसला क्या होता है? ये असल में हमारे जो पाकिस्तान में प्लांट बनते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें ये दो गेट होते हैं, कंक्रीट गेट क्लोज और पुलवराइज गेट क्लोज। ये दोनों गेटों के हैं LEDs। अच्छा, ये सीमेंट गेट क्लोज है। ये सीमेंट गेट यानी कि जो हमने जैक लगाया होता है सीमेंट पे, या मोटराइज जैक होता है या एयर जैक होता है, तो उस पर एक लिमिट लगा होता है जो PLY को बताता है कि भाई अब इसका गेट क्लोज हो गया, अब आप अपना अगला प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। गेट क्लोज है इसका, ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास लोग क्या करते हैं कि इसको लूप डाल के, इसका जो है वो PLY के अंदर ही पीछे जैक में लूप डाल के इसको परमानेंटली ऑन रखते हैं, ताकि हमारे प्रोसेसिंग में कोई मसला ना आए। PGC भी सेम इसी तरह, CGC की तरह, सीमेंट गेट क्लोज, ये पुलवराइज गेट क्लोज। अच्छा, ये दोनों लाइट्स चल रही होंगी। अच्छा, कुछ इस तरह होता है कि ये जैसे ही हमारी सप्लाई में थोड़ा मसला आता है ना, तो इसकी लाइट्स जो है ना वो ये वाली और ये वाली, ये चार लाइट्स जो हैं, दो ये और दो ये, जैसे ही हमारी सप्लाई जो 24 वोल्ट की एक्सटर्नल सप्लाई हम इस PLY को लगाते हैं अपने रिलेज को ऑन करवाने के लिए, कुछ वॉल्स जो हैं उनके लिए, तो हमारी ये सप्लाई जो है, हमारे जो लिमिट स्विच हैं वो भी सारे 24 वोल्ट पे हैं, तो हमारी ये दोनों ये लाइट्स और दोनों ये लाइट्स ये बंद हो जाती हैं। वो बंद किस लिए होती हैं? ये पिछले दिनों इस प्लांट में मसला आया, थोड़ा उसके वोल्ट कम हो गए सप्लाई के, उसकी वेरिएबल का मसला आया, तो मैंने उसको सेट किया है। तो मतलब ये लाइट्स जो हैं ये सप्लाई पे होती हैं, ये सप्लाई इनको जाएगी जो जो इस पे चीज़ लगी है, PGC या CGC है, इसको 24 वोल्ट आते हैं, तो ये काम दिखाता है कि मेरे जो गेट हैं दोनों क्लोज हैं, इसको करंट आएगा बाहर वाली एक्सटर्नल सप्लाई से। सेम इसी तरह ये लिमिट्स हैं, इसको भी सप्लाई जो है वो एक्सटर्नल सप्लाई से ही दी गई है, तभी ये शो करवाता है कि मेरे जो लिमिट जो हैं ये क्लोज़ हैं, अभी PLY अपना काम अगला शुरू कर सकती है। जब ये लिमिटों का करंट इसमें नहीं आएगा तो आपकी PLY ऑटोमेटिक पे वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये था CGC और PGC का, इसमें आपकी सप्लाई का इश्यू हो सकता है, तो कई दफ़ा सप्लाई के जो सप्लाई का करंट है वो मिस हो जाता है, तो आपके ये लाइट्स जो हैं क्लोज़ हो जाती हैं। ये लाइटें आपकी बंद नहीं होंगी, ये जितनी भी इसकी अपर लाइट्स हैं ये आपकी कोई लाइट भी बंद नहीं होगी सप्लाई के मुतासर होने से। अक्सर अवकात धोखा खा जाते हैं हमारे जो ऑपरेटर्स हैं कि ये लाइट्स बंद हो जाती हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि PLY तो चल रही है, हमारा प्लांट नहीं चल रहा। तो ये जो चार लाइट्स हैं ये एक्सटर्नल सप्लाई पे हैं, आपकी एक्सटर्नल सप्लाई में मसला होगा। 24 वोल्ट कम से कम वो 5 एम्पेयर की सप्लाई होती है हमारे पास, जो स्पेचिंग प्लांट पे यूज़ होती है। तो जैसे जैसे आपके कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे तो आपको सप्लाई के एम्पेयर्स वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, या बड़ी सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो ये होगी CGC PGC लोअर अपर लिमिट और इन चीज़ों की, ये लिमिटों की जो चार लाइट्स हैं, और CGC PGC की, ये आपकी एक्सटर्नल सप्लाई पे हैं। बाकी जो लाइट्स हैं सारी वो PLY की अपनी जो इसके अंदर सप्लाई है वो उस पर चलती हैं। ये क्लियर हो गया अभी?